जी मैं टुडे में आपका स्वागत है मानासर तहसील के ग्राम खेमपुरा में एक लाल पत्थर से बनने जा रहा भगवान हनुमान का मंदिर बनते ही धराशायी हो गया। सारे पत्थर देखते ही देखते भर भरा कर गिर पड़े और प्रतिमा भी खंडित हो गई। यह पूरी लापरवाही हुई ठेकेदार छगनलाल द्वारा, जो कि मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। या तो अच्छा था कि उस वक्त मंदिर में कोई था नहीं तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। लेकिन इस तरह से मंदिर जब भर भरा कर गिरा और सारे के सारे पत्थर नीचे ध्वस्त हो गए, तो उसके बाद मंदिर के निर्माण को लेकर सवाल उठने लगे। ग्रामीणों ने ठेकेदार को लेकर आक्रोश जताया। हमारे संवाददाता गोपाल धनगर का कहना है कि ठेकेदार की लापरवाही से यह हादसा हुआ है और जो श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। देखिए आप पूरी रिपोर्ट। मनासा तहसील के रायसीपुरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव खेमपुरा में भगवान श्री हनुमान जी का मंदिर निर्माण काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक 12 अगस्त की शाम को मंदिर गिर गया और पूरी तरह ध्वस्त हो गया। बताया जा रहा है कि मंदिर के जीर्णोद्वार के बाद से शुभ मुहूर्त नहीं होने से अभी मंदिर में पूजा पाठ बंद था। हालांकि हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई थी, वहीं प्रतिमा खंडित होने की वजह से ग्रामीणों में आक्रोश है। पूरे मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई, तकनीकी खामी रखने की वजह से यह हादसा हो गया। गनीमत यह रही कि मंदिर में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। वहीं प्रतिमा खंडित होने की वजह से ग्रामीणों में आक्रोश है। उनका कहना है कि ठेकेदार की लापरवाही से उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत हुई है, साथ ही निर्माण कार्य में खर्च किया पैसा भी व्यर्थ चला गया। ये मंदिर में जो है ये पत्थर लगाया हुआ है, सलंग पट्टी लगा रखी थी और इस पट्टी के ऊपर ही ये शिखर बना दिया, और इस शिखर के जगह ईंटों ने पानी पीने के कारण ये लंबी पट्टी थी और लोड ज्यादा हुआ, उसके कारण लोड सहन नहीं कर पाई, उससे गिरा है। इसमें किसकी लापरवाही है? ठेकेदार की लापरवाही है। यहाँ पर जैसे कोई समिति वगैरह नहीं थी या इसकी देख रहे थे? समिति ने तो ठेकेदार को सारे पैसे समेत ठेका दे रखा था, तो उस ठेकेदार ने एक तो पत्थर लोकल लगा दिया है और जो लंबी पट्टी नहीं लगाने की थी वो लगा के ना उसके ऊपर शिखर बना दिया है।